इंटरेस्टिंग. उस गलत उसके साथ हुआ है, शी इज द विक्टिम, राइट राइट पर राइट. उसी को विक्टिमाइज इतना कर दिया जाता है कि नहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ और तुम ही चुप रहो, बोल ही नहीं सकते। जैसे हम लोगों को, मुझे याद है कि हम उस टाइम पे, क्योंकि एजुकेशन का इतना ज्यादा था ना कि कुछ बताएंगे तो एजुकेशन छुड़वा दी जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो पढ़ने को मिल रहा है, पढ़ लेते हैं, तो अगर किसी ने छेड़ दिया स्कूल में, किसी ने छेड़ दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम घर पे आके अपने पापा को नहीं बता पाते थे कि अगर हम बताएंगे तो शायद पापा हमारा स्कूल छुड़वा देंगे। हमें कुछ भी परेशानी होती थी कॉलेज में या कहीं भी, हम नहीं बता पाते थे कि हमारे साथ ये हुआ है, या हम स्कूल वैन में जा रहे थे, हमारी स्कर्ट के नीचे किसी ने हमारी थाइस पे हाथ रख दिया है, हम ये पापा को नहीं बता पाएंगे, ये कल से वो जान ही नहीं देंगे हमें, जान तो देंगे. ये बन जाती है। अब इसके लिए यही है कि आप अवेयरनेस धीरे धीरे लेके आइए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि तालीम अपनी बेटियों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है हो सके एजुकेशन दीजिए, इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि वो बोल पाए इन सब चीज़ों के खिलाफ। ऐसा कहा जाता है कि बाय 2030 चाइल्ड मैरिज कुड बी अ हिस्ट्री. सो इज इट पॉसिबल कि 2030 तक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा? यस इट कुड बी पॉसिबल। मुझे लगता है जिस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है तो उससे धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, अवेयरनेस आ रही है। जैसे अभी भी रिपब्लिक डे पे भी जब परेड थी तो उसमें महिलाएं सबसे आगे थी, और महिलाओं की इंडिपेंडेंसी पे बहुत ज़्यादा जो फिलहाल की गवर्नमेंट है वो, मुझे उनका ये स्टेप बहुत अच्छा लगता है, राजनीति और बाकी सब चीज़ों से हटके जो बजट था उसमें भी महिलाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस था, प्लस फेमिन रिजर्वेशन बिल आ रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरह से महिलाओं पर फोकस हो रहा है उससे चाइल्ड मैरिज बहुत हद तक कम हो सकती है 2030 तक, मुझे लगता है, क्योंकि अब एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस आ रही है लोगों में, तो वो हो जाएगा कम। बट चाइल्ड मैरिज से इतर हटके जो मुझे ये लगता है कि मैरिज इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी और इज अ बिग थिंग, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चाइल्ड मैरिज, मैरिज अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और इसको तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप में खुद में ये समझ ना आ जाए कि शादी क्या है, या कि नहीं तो फिर ज्यादातर ये होता है कि शादी इसलिए करा रहे हैं कि बच्चे पैदा करना है या फिर घर संभालना है, बहू हमें इसलिए लेके आनी है क्योंकि वो घर संभालेगी, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कम्युनिटी की हम बात करें सब में यही हाल है, तो वो वैसा है। तो चाइल्ड मैरिज भी पहले शायद इसीलिए होते थे कि अब बच्ची जवान हो गई है या बच्ची अब उस लायक हो गई है, अब बच्चा हमारा उस लायक हो गया है कि बस अब शादी कर दो, घर के काम वाम कौन संभाल लेगा, घर के काम कर लेते हैं, तो वो इस वजह से होता था। तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है तो मुझे लगता है हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, कम हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या एज होनी चाहिए, मतलब एक लड़की की और एक लड़के की शादी की क्या एज होनी चाहिए? ऑफिशियली लीगली जो एजेस हैं वो तो वो है तो ही, एक अलग वो है. तो है ही, इसके अलावा मुझे लगता है कि शादी की कोई एज पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए। शादी जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मैं इस इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ या सकती हूँ, तब आपको करनी चाहिए। किस तरह की करनी चाहिए, मतलब फैमिली के, मतलब जो अरेंज मैरिज ही जरूरी है या इट फिर? डिपेंड्स, इट डिपेंड्स कि आपका आप किस तरह की करना चाहते हो। मुझे जहां तक लगता है कि शादी दो लोगों के बीच में होती है, लेकिन सामाजिक इंस्टीट्यूशंस है तो वो कहते हैं ना कि शादियां तो दो खानदानों के बीच में होती हैं, 350 लोगों के बीच. 350 लोग, तो मुझे लगता है जब जो शादी होती है वो दो लोगों के बीच में होती है, तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग उतनी हो कि आप कर पाए। बट अभी जो हालात हैं इस वक्त के वो ऐसे हैं कि शादी में भी अ मेल पर्सन कांट अफोर्ड अ वाइफ जो डोमिनेट है, जो डोमिनेटिंग है, उनको चाहिए वैसी बीवी जो थोड़ा उनसे दबके रहे, उनसे ज्यादा ना कमाती हो, और ये हर जगह पर है कि हमसे थोड़ी कमानी चाहिए, थोड़ा ठीक है जॉब कर रही है कोई बात नहीं, कि घर का थोड़ा सा घर का काम भी कर लो, क्या हो गया जॉब ही तो कर रही हो, पर ये मर्द पॉसिबल से ही नहीं है कभी, ना अगर वो पर ये मर्द जॉब, से कभी एक्सपेक्ट नहीं करता ना कोई नहीं कि आई थिंक आप ये पॉसिबल ही नहीं है. अगर वो जॉब करती है तो वो कैसे घर का काम कैसे कर पाएगी? करती हैं। मैं बता रही हूँ आपको, मैं जानती हूँ ऐसी कितनी महिलाओं को जो हमारे ऑफिस में आती हैं और वो घर का सारा काम करके आती हैं, वो अपनी सास को खाना खिला के आती हैं, सास को चाय पिला के आती हैं, और फिर वापस जाके फिर से जाके अपने सास को और अपने मियाँ को खाना बनाकर खिला रही होती है। तो ये एक्सपेक्ट हमेशा औरत से किया जाता है, मर्द से कभी नहीं किया जाता है। तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझ में आ जाए कि जो आप काम कर रहे हो उसको डिवाइड करना है हर एक चीज में, आपको सिर्फ शादी के लिए बीवी या पति नहीं ढूंढना है, आपको इक्वल पार्टनर ढूंढना है, एक हम सफर जो इक्वली आपके कंधे से कंधे मिला के चल सके, या आप किसी को आगे या पीछे नहीं चलना है, सब बराबर चलना है। जब आपको ये लग जाए कि आप ये कर सकते हो तब मुझे लगता है आपको शादी करनी चाहिए, वरना अपनी या किसी और की जिंदगी बर्बाद करके क्यों क्यों ही करनी है, मत करो। सदफ आपने भी देखा होगा कि इंडियन पेरेंट्स आर स्पेशली फोकस ऑन सेविंग दे ऑल देयर लाइफ फॉर देयर डॉटर्स वेडिंग रादर देन इन्वेस्टिंग इन हर ड्रीम्स.
सो इस पे आपका क्या स्टैंड है? ऐसा क्यों, मतलब उनकी सोच ही ऐसी होती है कि भाई पूरी लाइफ सेव करना सिर्फ बेटी की शादी के लिए? हाँ, तो ये ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही बन गया है हमारी सोसाइटी में, और ये पहले से ही चला आ रहा है कि बेटी है तो उसकी शादी करनी है, बेटी है तो पराया धन है, बेटी को कभी आपने अपना माना ही नहीं, बेटी हमेशा है तो ये तो दूसरे घर की है तो। और लेकिन जो बेटा है उसके आपको प्रॉपर्टी भी उसको देनी है, उसको बिजनेस भी करा के देना है, उसकी शादी भी करनी है, उसके सारे काम करना है, लेकिन बेटी को सिर्फ शादी करा के भेज दो, खत्म करो। बट उसकी जगह पे अगर आप, एक तो ये भी है कि जो इंडियन मैरिजेस हैं वो कितना दहेज और डाउरी के साथ होती हैं, इतना ज्यादा होती हैं कि जब से बेटी पैदा होती है तब से लेके उसकी शादी तक बाप सेव करना शुरू करता है, और तब जाके वो उसकी शादी करा पाता है। तो अगर वो जो सेव कर रहे हैं वो उनके दहेज में ना देके उनको उनकी सपनों में, उनके उनको ख्वाब दिखाएंगे, उनको पढ़ाई लिखाई में, उनकी तालीम में अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो जो शादी के बाद एक लड़की अपंग हो जाती है ना, बिना पढ़ी लिखी लड़की है, उसकी आपने दहेज देके शादी करा दी, उसके बाद उसको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है शादी में, वो अपनी शादी नहीं छोड़ पाएगी। क्यों नहीं छोड़ पाएगी? क्योंकि उसके पास कोई बैकअप ही नहीं है, बाप ने तो दहेज देके खत्म कर दिया, बेटे के पास तो प्रॉपर्टी होती है, वो तो कुछ भी कर पाएगा। और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी राइट्स भी तो नहीं दे रहे हो। मैं हमेशा कहती हूँ डाउरी की जगह, और ये जो आप पैसे इकट्ठे कर करके दहेज कर रहे हो, इसकी जगह प्रॉपर्टी राइट्स दो ना उनको। अगर आप प्रॉपर्टी राइट्स दोगे उनको तो उनके पास बैकअप होगा, वो स्टैंड ले पाएंगी। अभी जैसे बोलते हैं कि शादियों में अभी डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है बहुत ना, बढ़िया बढ़ है। गया, वो इसी वजह से तो बढ़ रहा है, क्योंकि लड़कियां अवेयर हो रही हैं, और लड़कियां अवेयर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कमा सकती हैं, खुद से रह सकती हैं, अकेले रह सकती हैं, दूसरा पार्टनर ढूंढ सकती हैं, तीसरा पार्टनर ढूंढ सकती हैं, वो जो चाहे वो कर सकती हैं, वो इतनी इंडिपेंडेंट है। पर अगर हम, मुझसे पहले वाले जनरेशन की मैं बात करूं, वहां पे अगर आप देखोगे, मेरी अम्मी हुई, मेरी खाला हुई, या मेरी पप्पो हुई, अगर उनकी शादी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, इवन डोमेस्टिक वायलेंस तक होता है, वो भी हो रहा है, तो वो शादी छोड़ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि किसके घर जाएंगी? उस घर से तो आपको ये बोल के निकाल दिया गया कि आप पराया धन हो, और इस घर में आपके साथ मारपीट हो रही है, तो आपका घर कहाँ बचा? तो इससे दहेज और बाकी सब चीजों से बेहतर ये है कि आप अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाओ, जब वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, इमोशनली, हर तरीके से इंडिपेंडेंट होगी ना, तो फिर उसको आपके दहेज की जरूरत नहीं होगी।